मंच पर विराजमान शिक्षा के सिखावटी के शिक्षा द्वार लोसल को कहना चाहिए, इसमें कर्मठता से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने वाले मानद निदेशकगण, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आपके हाथ में ये कुछ अखबार जो धूप से आपको बचाने का कार्य कर रहे हैं। निःसंदेह मैं समझ पा रहा हूं कि तेज धूप आपके ऊपर हावी हो रही, लेकिन इतना आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आने वाले 20-25-30 मिनट के बाद इस धूप में आपके द्वारा हो रही यह तपस्या खाली हाथ नहीं जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा छोटा भाई जितेंद्र बोल रहा था कि मोटिवेशनल गुरु, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। एक टीचर हूं, दो ज्ञान की बात अपन साझा करेंगे। देखिए बच्चों, आप सभी जिस आयु वर्ग से गुजर रहे हैं उसे विद्यार्थी काल कहते हैं, और विद्यार्थी काल में अध्ययन का जो काम होता है, पढ़ाई का जो काम होता है, उस काम में स्टूडेंट्स की लाइफ को ऑब्जर्व करने के बाद दो बातें निकल के आती है। बात नंबर एक, जो स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये होती है, स्टूडेंट अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो दो प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट की जिंदगी को अगर ऑब्जर्व करें तो उनके सामने दो समस्याएं आती है। एक समस्या होती है कि उसका ट्रैक कैसा है, गलत ट्रैक है या सही ट्रैक है। दो चीजें होती है, गलत ट्रैक क्या है, हमें पता नहीं होता कि सही और गलत क्या है। देखिए, मेरे मायने में गलत ट्रैक होता है एडिक्शन, नशा। नशा सुनते ही हमारे दिमाग में, हमारी सोसाइटी में एक बात निकल के आती है, नशा मतलब शराब पीना, सिगरेट पीना। इसको हम जनरली एक नशे की परिभाषा में शामिल करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसके डीपर हिस्से की ओर जाने की कोशिश करूंगा। एडिक्शन शराब पीना और सिगरेट पीना, हुक्का पीना, तंबाकू पीना नहीं है। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। एक नया जमाना आया, अब इसको ग्रामीण स्कूल के बच्चे हैं, हालांकि मैं मानता हूं इस तबके से बचे हुए होंगे, मैं बात स्टूडेंट की नहीं ओवरऑल सोसाइटी की कर रहा हूं। लोगों को मोबाइल का नशा है, एक नया नशा है एडिक्शन। ये नशा इतना हावी हो चुका है कि आज आठवीं क्लास के बच्चे को मोबाइल की आवश्यकता फील होती है, और जो आदमी बिजनेस करता है वो मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो हर 3-4 मिनट बाद मोबाइल में चेक करके देखता है कि फेसबुक पर कुछ अपडेट आया क्या, व्हाट्सएप पर कुछ अपडेट आया क्या, उसको डाउनलोड करने में, उसको पढ़ने में, उसको शेयर करने में लगा हुआ है। ये सब एडिक्शन है। आपको हर रोज हर शाम को दोस्तों के साथ बैठकर गप मारने की इच्छा है, होती है। आप रोज शाम को हॉस्टल के अंदर बैठ के बातें करते हैं, उसमें मजा आता है। ये एडिक्शन है, ये नशा है। हर वो काम, नशे की परिभाषा जो मैं दे सकता हूं वो ये है, हर वो काम जिसको करने में मजा आए, जिसको किस काम को करने में दिल राजी हो, उसको हम एडिक्शन कहते हैं, नशा कहते हैं। दूसरा काम होता है सही ट्रैक। स्टूडेंट की लाइफ में दो ही ट्रैक होते हैं, सही ट्रैक और गलत ट्रैक। दूसरा ट्रैक होता है सही ट्रैक, करेक्ट ट्रैक, और सही ट्रैक है पढ़ना। सब जानते हैं पढ़ना सही है, लेकिन फिर भी हम इस सही ट्रैक से, सही ट्रैक पर चल नहीं पाते हैं। वजह क्या होती है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट होना।
बहुत सुना होगा, वो सिंपल बात कर रहा हूं मैं, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। कंसंट्रेशन, जैसे ही बात कंसंट्रेशन की आती है, पहला दिमाग क्वेश्चन में उठ रहा है कि भाई कंसंट्रेशन लेवल, अपने दिमाग को एकाग्र करने की क्षमता को विकसित कैसे किया जाए, कैसे हम कंसंट्रेट हो। सब जानते हैं कि पढ़ाई से कंसंट्रेशन से करनी चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन करनी चाहिए यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि कंसंट्रेशन कैसे की जाए। सुपरफिशियल लेवल पर अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन करने के लिए आपको हजारों नुस्खे आपके दिग्गज बुद्धिजीवी शिक्षक लोग आपको बताते होंगे कि बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, बेटा नहा धोकर पढ़ाई के लिए बैठना चाहिए, नाश्ता प्रॉपर समय पर करना चाहिए, जाने कितने तरीके। अभी मैं मेरे यहां पहुंच रहा था तो माइक पर मुझे कुछ आवाजें सुनने को मिल रही थी कि मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए, ये सब बातें आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा। आप थोड़ा बहुत भी अगर इंटरनेट पर जाते अच्छे कामों के लिए तो आपको गूगल पर सर्च करने के पर हजारों ऐसे नुस्खे मिल जाएंगे जिससे आपको कंसंट्रेट होने के तरीके मिलेंगे। लेकिन मेरे छोटे भाइयों, वो कोई सा भी तरीका आप पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। मैं आपको आज ये बात बताने आया हूं, कंसंट्रेट करने के जितने भी तरीके हैं मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं उनकी प्रासंगिकता की बात कर रहा हूं, मैं उनको अप्लाई करने के तरीके की बात कर रहा हूं। हम अगर गहराई में जाकर के देखते हैं तो कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहली चीज, आपने 10 नुस्खे पढ़े कि सुबह 4 बजे पढ़ने से अध्ययन अच्छा होता है। मान लिया, दुनिया की कोई ताकत इस तथ्य को गलत साबित नहीं कर सकती कि सुबह उठकर के अच्छा अध्ययन नहीं होता है। लेकिन मैं इन परंपरागत नुस्खों की बात करने नहीं आया हूं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब तक आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर एक इंटरेस्ट नहीं होगा, वो नुस्खे आप पर काम नहीं करेंगे। इंटरेस्ट, रुचि कह सकते हो जिसको हिंदी में आप, इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका किसी भी तरीके में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप कितना ही ज्ञान जानते हो कि सुबह उठकर पढ़ने से बहुत अच्छा अध्ययन होता है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि जब सुबह आप उठने का प्रयास करेंगे आपको लगेगा 5 मिनट और सो लेते हैं, और 5-5 मिनट करते करते 4 बजे का समय 8 बजे में बदल जाता है, 7 बजे में बदल जाता है। हॉस्टल वार्डन आकर के खोजे करता रूम के अंदर कि बेटा उठ जा पढ़ ले, लेकिन उस समय हमें कसाई से कम नजर नहीं आता कि कमीने को मेरे रूम की एक नोक खड़खड़ानी थी क्या, इसको पता नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं रात को लेट सो जाता। हजारों हमारे आप को सही ठहराने के लिए हजारों हम ऐसे बहाने एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। तो सर चलो सर आपकी ही बात कर, सभी बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजेदार बातें अपन करेंगे। ये मत समझिएगा कि मैं कोई भाषण देने के लिए आया हूं, मुझे आता ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि चलो सर आपकी मान लेते हैं, सुबह उठने वाली बातों उन सब परंपरागत तरीकों में दम नहीं है, तो आप ही बता दीजिए इंटरेस्ट पैदा कैसे होता है, पैदा कैसा होता है। ये इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्यों पैदा नहीं होता है, ये क्यों बहुत परेशान करता है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जब तक आपको क्यों का जवाब नहीं मिलता आपके दिमाग में एक चीज घूमती रहती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आपको बोला कि समीकरण 4 और 6 जोड़ने पर आपने उत्तर भी आ गया, लेकिन फिर भी दिमाग के किसी कोने में एक प्रश्न होता है कि इन समीकरणों को जोड़ा ही क्यों गया, घटाया क्यों नहीं किया, या अवकलन ही क्यों किया, समाकलन क्यों नहीं किया। साइंस इंसान को जिज्ञासु बनाता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। सीधा जवाब है, 2 तरह के काम होते, एक काम में दर्द है, एक काम में मजा है। आपको घूमने में मजा आता है, आपको बात करने में मजा आता है, आपको इधर उधर देखने में मजा आता है, अपने किसी सहपाठी या सहपाठिन की बात करने में मजा आता है, वो आसान काम है। हमारा दिमाग, हमारा मन हमेशा उन मुद्दों को चुनता है जिन काम को करने में मजा आता है।
हमारा इंटरेस्ट उधर है। अगर आपका इंटरेस्ट उधर है, नो डाउट, निश्चित तौर पर आप कभी भी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं हो सकते। भले ही आपको बाबा रामदेव के सारे योग करने आते हो, लेकिन अगर अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उसका फायदा आप उठा नहीं सकते। इंटरेस्ट का जिंदगी में बहुत बड़ा खेल है। आपको मैं बोलूं कि यहां सामने क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, कौन कौन खेलना चाहता है? जिसको थोड़ा बहुत भी बल्ला पकड़ना आता है, सभी हाथ खड़ा कर देंगे। बोलिए, बोल से चाहता हूं कि एक मैं अभी क्रिकेट प्रतियोगिता समर्पण कराता, कौन कौन खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाथ खड़े करके बताइए। क्योंकि आपका इंटरेस्ट है जनाब, उसमें आपका उसमें इंटरेस्ट है। मैं कहूं कि मेरा भाषण नहीं सुनना आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपको मेरी बात सुननी है, दूसरी मैं आपको यहां पर मूवी दिखाता हूं, यहां पर मैं आपको स्क्रीन लगा के एक पिक्चर दिखाता हूं। आप सबके मन में एक बार विचार आएगा कि इसके मुंह पर मना नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम पिक्चर ही देखना चाहते हैं। यस कि नो? उस कंडीशन में कौन कौन लोग मेरा भाषण छोड़ के पिक्चर देखना चाहेंगे? ईमानदारी से बताना, मेरा मन रखने के लिए नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें होता है, इसलिए आपके हाथ उस बात पर खड़े। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, खुद की बेइज्जती कराने वाली? इसकी बात, इस क्वेश्चन का जवाब, इस यक्ष क्वेश्चन का जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। तो यह बात जद जाहिर है कि हमारा इंटरेस्ट उन कामों में होता है जिसमें हमें मजा आता है। लेकिन आपको बताऊं, मजा जिन भी कामों में आपको मजा आता है, वो काम आपके करियर की दिशा में आपको आगे नहीं लेके जा सकते, ये मान के चलिएगा। क्योंकि मजा आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, परंपरागत तरीका है, नेचुरल, प्राकृतिक, और पढ़ाई करना एक अप्राकृतिक तरीका है। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, ये नेचुरल है, लेकिन पतझड़ में पत्ते निकले, ये इननेचुरल है, इननेचुरल है, अननेचुरल प्रक्रिया, अप्राकृतिक घटना है। 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल प्रक्रिया है। इननेचुरल क्या है, अप्राकृतिक क्या है? अगर किसी जगह पर, किसी पेड़ पर पतझड़ में पत्ते झड़ने की बजाय निकले, ये है अननेचुरल, अप्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक काम से वही होगा जो प्रकृति ने निर्धारित किया है, जो आप निर्धारित कर रहे हैं वो अप्राकृतिक अननेचुरल कार्य करने से आएगा, और प्राकृतिक कार्य करने से, नेचुरल कार्य करने से मजा आता है, और मजे से कभी भी लक्ष्य हासिल नहीं होते। ज्ञान बहुत सुना होगा कि मंजिल बड़ी होनी चाहिए, गोल डिसाइड करो, भविष्य निर्माण की बातें करो, पढ़ाई करो। मैं जानता हूं हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर हम भी चाहते हैं पढ़ना, हम कौन सा पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं करता पढ़ने के लिए, हम भी किताब खोलते हैं थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, हम भी बैठ के किताब लेके बैठते हैं थोड़ी देर बाद वो किताब तो साइड में गिर जाती है, नींद आ जाती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको सुबह 4 बजे जगने की, टाइम टेबल बनाने की, बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट पैदा करने की जरूरत है। और जिस दिन वो इंटरेस्ट आपका पैदा हुआ, आपको सब तरीके नुस्खे बताने की जरूरत नहीं है, वो सब क्वालिटी, वो गुण आप में गॉड गिफ्टेड है। तो मुद्दा ये है कि हम इंटरेस्ट क्यों पैदा करें, क्यों पैदा करें, जरूरी क्या है? हमारे बढ़िया खेत है, बढ़िया खेत है, उसमें बढ़िया खेती होती है, सब कुछ बढ़िया है, घर वालों के पास पैसा है, सारी चीजें, हम क्यों पैदा करें इंटरेस्ट? जितना पढ़ाई होगी हम करते हैं, जरूरी थोड़ी है सभी पढ़ाई करें। एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि आप इंटरेस्ट क्यों पैदा करें, या यूं कहूं कि आप में इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। तो उसके लिए आपको एक बर्निंग डिजायर पैदा करनी पड़ेगी। बर्निंग डिजायर का मतलब है आपको अपने अंदर एक ऐसी वजह पैदा करनी पड़ेगी, एक ऐसी मजबूरी पैदा करनी पड़ेगी कि जिसके कारण आपको पढ़ना जरूरी हो। वो वजह क्या हो और वजह से इंटरेस्ट कैसे बदल जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। जब आदमी के लिए कोई चीज मजबूर बन जाती है, तो इंसान वो सब कुछ कर जाता जिसका उसने सोचा नहीं। सपोज कीजिए कि दो इंसान है, दो आदमी है, दो दोस्त हैं,
रेगिस्तान में रास्ता भटक गए। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गया, पीने के लिए पानी नहीं है, होंठ सूखे हुए, होंठ के ऊपर पपड़ी जम गई और ऐसे लगने लगा कि अब अगर थोड़ी देर तक पानी और नहीं मिला तो शायद ये हम प्राण त्याग दें, जीना जब मुश्किल हो जाता है। वहां हर पानी की एक बूंद के लिए, पानी की एक बूंद के लिए उसका शरीर एक ही आवाज कर रहा है, हाय पानी, मुझे पानी की एक बूंद मिल जाए। रेगिस्तान में कहीं पानी का आता पता नहीं है। उसके दिमाग में विचार आता है कि यार मेरे को एक ही चीज पानी की नजर आ रही है और वो है मेरा टॉयलेट। बच्चों आपको यकीन नहीं हो, आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट मेरे को बता रही है कि आप क्या कह रहे हो सर ये, लेकिन आप यकीन मानिएगा, वो इंसान, मैं जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ पर आधारित बातें कर रहा हूं, वो इंसान अपना मूत्र पी जाता है, टॉयलेट पी जाता है। मैं आपको कहूं बेटा, आपको आपको बाहर जाकर अपना टॉयलेट पीना है, आपको किस पागल को लाके स्टेज पे खड़ा कर दिया, क्योंकि आपके पास कोई वजह ही नहीं ऐसा करने की, क्यों करेंगे आप ऐसा। लेकिन उस इंसान को, अपने जिंदगी को बचाए रखने के लिए उसके अलावा और कोई वजह नजर नहीं आती, तो उसको ऐसा करना पड़ता है। मैं बात कर रहा था जिंदगी में जितने भी मुश्किल काम है, जितने भी लक्ष्य निर्धारित करने वाले काम है, मंजिल दिलाने वाले काम है, उन सब में पेन होता है, उन सब में दर्द होता है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी ऐसा काम जिसको काम करने में दर्द नहीं होता, वो आपको कुछ हासिल नहीं करवाएगा। सीधा फंडा है, नो पेन नो गेन। अगर आप दर्द नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ हासिल भी करके नहीं जाएंगे। नो पेन नो गेन। तो अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको दर्द लेना पड़ेगा। आप जो सब कुछ कर रहे हैं, जो सब कुछ भी जिंदगी में कर रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, डेढ़ घंटा पढ़ते हैं, तीन घंटे सोते हैं, किताब खोलकर ये खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा हूं, बोर्ड की परीक्षा पास में आ रही है, सर ने मेरे को सारा सिलेबस करा दिया, मैं बहुत ईमानदारी से रिवाइज कर रहा होता हूं, लेकिन क्या यही बात आप कांच के सामने खड़े होकर खुद से कर सकते हैं? क्या आप खुद की अंतरात्मा से बात कर सकते हैं? आपके सामने जवाब आएगा कि नहीं, तो जितना ईमानदारी से लोगों को बोलता है उतना ईमानदार खुद के प्रति नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, जो अच्छा है वो आप कर नहीं रहे क्योंकि उसमें दर्द होता है, और जो अच्छा है वो आप कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। बड़ी अजीब जिंदगी का यह मायावी जाल, अजीब है। फिर सर क्या करें? आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपका जो ब्रेन है अभी भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, किसी के लिए अखबार मुद्दा है, किसी के लिए धूप मुद्दा है, किसी के लिए मेरी बात मुद्दा है, किसी के लिए उधर से कौन आ रहा होता है, किसी के लिए उसके स्कूल के टीचर किधर बैठे ये मुद्दा है। क्यों पता, इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, आपके सामने से मेरे को बात निकल के आ रही है। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन एक ताकतवर घोड़े की तरह होता है, बिल लगाम के घोड़े की तरह। एक घोड़ा है जिसको बहुत तेज दौड़ना आता है, उसमें बहुत ताकत है, वो बड़े से बड़े खाई और दरार को पार करता है, लेकिन उसके अगर लगाम नहीं है तो वो घोड़ा कभी इधर भटकेगा, कभी इधर भटकेगा। आप उस पर अगर सवार है, थोड़ी देर बाद आप खिन्न हो जाएंगे कि ये कर क्या रहा है, किसी एक दिशा में तो जा ही नहीं रहा, मुझे सीकर जाना था, कभी इधर भटक रहा है, कभी बानोड़ा की तरफ जा रहा है, कभी इस गांव की तरफ जा रहा है। घोड़ा बहुत ताकतवर है, एक ही चीज है, उसमें लगाम नहीं है। आपको भगवान के द्वारा दी हुई सबसे सुंदरतम नीमत एक है, दिमाग। लेकिन उस दिमाग में भगवान ने एक गलती करी, लगाम नहीं दी। दिमाग में कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं होता कि बटन, दिमाग का बटन दबाया, पढ़ाई स्टार्ट, दिमाग बटन बंद, दिमाग बंद। दिमाग उस ताकतवर घोड़े की तरह है जिसकी कोई लगाम नहीं होती। आपका दिमाग भी उसी लगाम वाले, बिल लगाम वाले घोड़े की तरह है। इस धरती पर छोटी से छोटी जगह से पैदा हुए बड़े लोग, आप अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं, आप बड़ी बड़ी शख्सियत का नाम लेते हैं, उनके पास भी उतना ही दिमाग था जितना आपके पास है प्यारे बच्चों। लेकिन उन्होंने उस लगाम को पहचाना, उस लगाम को ढूंढा जिससे इस ताकतवर घोड़े को दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव इंसान और बुद्धिमान जीव का सबसे बुद्धिमान भाग ब्रेन, हिस्सा ब्रेन, दिमाग, लगाम नहीं है साहब।
तो सर आप बात ही कर रहे हो, तो ये बताओ कि लगाम कैसे पैदा हो। लगाम पैदा होगी इंटेलिजेंसी से, बुद्धिमता से। हम आप कभी सोच के कोशिश करके देखिएगा, एक छोटा सा आलू प्रयोग का आपको बता रहा हूं, आप कभी कोशिश कीजिएगा कि मैं अगले 3 मिनट तक सिर्फ इस उंगली के बारे में सोचूंगा। आप 3 सेकंड तक कंसंट्रेट नहीं हो सकते और आपके दिमाग इधर उधर की बातों में चला जाएगा। आपको बैलेंस करने के लिए, दिमाग को फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुद्धिमत्ता को बीच में लाना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंसी को बीच में लाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा उस वजह के बारे में कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है। वो वजह जब आपने ढूंढ ली, जब आपको ये डिसाइड हो गया कि मुझे ये जिंदगी में ये मकसद हासिल करना है और उस डायरेक्शन में दिमाग को लगाया, जैसे ही उस लक्ष्य में आपने अपना इंटरेस्ट पैदा किया, आपके दिमाग में वो ताकत है कि आप दुनिया का कोई सा भी आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल मंजिल हासिल कर सकते हो। लेकिन हम करते क्या है, हम हमारी जिंदगी का गोल सेट करते हैं खोखले पिलर पर। हम हमारी जिंदगी और लक्ष्यों की मंजिल डिसाइड करते हैं जिसके पिलर नहीं होते, जिसके खंभे में खोखलापन होता है। लोग कहते हैं इस सेमिनार का नाम है मोटिवेशनल सेमिनार, करियर काउंसलिंग सेमिनार। लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए सुना कि हमें बचपन में किसी ने गाइड नहीं किया, हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया। हमें भी मोटिवेट किया होता तो हम भी कलेक्टर होते, हम भी आईएएस होते, आईपीएस होते, हम डॉक्टर इंजीनियर आईजीएन होते। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, सच कहता हूं, किसी को लगे बुरा तो माफ करना, वो एक्सक्यूज कर रहे होते हैं। वो खुद की गलतियों को छिपाने के लिए एक माया जाल रच रहे होते हैं, हमारे खुद के प्रति एक सिंपैथी का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हकीकत बात यह है कि कोई किसी को मोटिवेट कर ही नहीं सकता। मोटिवेशन क्या है, मैं आपको कहूंगी बेटा बड़ा लक्ष्य डिसाइड करो, मंजिल डिसाइड करो, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये मोटिवेशन है। घर जाओगे, खाना खाओगे और रोटी के साथ में सारी बातें बच जाओगे और कल वैसे ही मिलोगे जैसे थे। किसी के ऊपर थोड़ा असर करेगा, एक दिन और दो दिन आप ज्यादा से ज्यादा इस बात को याद रखोगे, तीसरे दिन इतना सा याद रहेगा कि हाँ कोई एक आयो तो मैं ऐसे काम करके नहीं छोड़ जाना चाहता कि मेरे पदों के निशान जमीन पर रहे और माटी की एक छोटी सी आंधी आई और पद चिन्ह गायब हो गए कि कौन आया था। मैं अगर आपके अंदर कुछ पैदा करना चाहता हूं तो एक ऐसी परमानेंट चीज, आप मुझे भूल जाएगा इस सेमिनार, आपकी स्कूल, आपके स्कूल के टीचर को भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने ये अपने अंदर पैदा कर लिया, आपके एग्जाम्पल हमें देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। आपके जितने भी परिचित गांव वाले, शिक्षक, बंधुगण, जितने भी रिश्तेदार, नाती, पहचान वाले, सबको आपका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक ऐसी चीज आपको बताने के लिए आया हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे कैसे बता सकता हूं। एक ऐसी चीज जो मोटिवेशन नहीं है, अगर वो मैं आपको सिखा दूं तो आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसके बारे में आपने खुद नहीं सोचा है। लेकिन भैया मैं वो ऐसे बताऊंगा नहीं, फ्री में क्यों बताऊं, है बता दूं। बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं, अभी मैं और थोड़ा माहौल बढ़ाऊंगा, बाद में बताऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं जब आया शुरू में, मैंने बोलना शुरू किया, 10 बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे, 90 बच्चे 100 में से इधर उधर देख रहे थे। मैंने कहा रुक जा बेटा, अभी मैं तेरे अंदर एक चीज पैदा करूंगा, उसका नाम है इंटरेस्ट। अभी सारे नहीं जुड़े, जब तुम्हारे अंदर मुझे ये आग दिखेगी ना कि सर अब बता दो, नहीं हम जूते निकाल के भगा रहे कि बहुत चिल्ला दिया, तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। बता दूं क्या? थोड़ा सा होगा, चलिए एक बात बताइए, चलो अभी बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा और एक साइड की बात करके। अच्छा एक बात नहीं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने जो आपको बात बोली, आपको
पढ़ाई करने में मजा आता है या पढ़ाई नहीं करने में मजा आता है? ईमानदारी से बताओ। वो लोग हाथ खड़े करो जिनको पढ़ाई मत, देखो एक तो होता दिल से कि नहीं मुझे स्कूल को टॉप करना करता है, इज्जत की बात है, टीचर ने बहुत इज्जत कर रखी है कि ये लड़की बहुत अच्छा नंबर लेकर आएगी, ये छोरा मेरिट में आएगा, उसके लिए आप पढ़ रहे हो, मुझे पता है ना, वो आप मजबूरी में पढ़ रहे हो। मुझे ऐसे बताओ कि कितने विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं जिनको पढ़ने में मजा आता है? गलत जवाब दे रहे हो, गलत, मेरा मन ना करे, सॉरी। अच्छा कितने ऐसे हैं जिनको पढ़ने में मजा नहीं आता, पढ़ने के अलावा कुछ और काम करने में मजा आता है, गप्पे मारने में, इधर उधर की बात करने में, क्लास की किसी और की बात करने में, एक मुद्दा मिल जाए, पता है क्लास में ना उसके बारे में ना आज वो बात सुनी थी, पूरे दिन चर्चा और माहौल का विषय होता है स्कूल और हॉस्टल में। क्यों पता है क्यों? क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा होता है। लेकिन मेरे इतने प्यारे बच्चों, वो मजा आपको जिंदगी की हकीकत से दूर लेके जा रहा होता है। आज के बाद एक चीज आप मेरे से सीख के जाना, काम वो करो जिसमें दर्द आए, जिसमें पेन हो। आपको जैसे ही किसी में मजा आने लगे कि नहीं यार चल एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस रोड पे घूम के आते, ये आपके दिल ने कहा ना, इसमें आपको मजा आ रहा ना, आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो ना, जिसमें भी मन करे मजा आए उस बात को फुल स्टॉप लगा दो, वो मत करो। आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिस काम को करने में कि नहीं यार मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा, वो काम तभी करो। इसका मतलब आपको दर्द दे रहा, दर्द को पालो। दर्द के लिए किसी ने डेफिनेशन दी है, दर्द को जितने भी पेन है या जितने भी गलत ट्रैक जिनमें हमें मजा आता है उसकी किसी ने परिभाषा दी है, टेम्परेरी प्लेजर परमानेंट पेन, अस्थाई मजा स्थाई दुख। अगर अभी आप जिस काम में आपको मजा आ रहा है क्षणिक तौर पर तो आपको वो खुशी देगा, लेकिन दीर्घायु रूप से आप लंबे समय बाद देखेंगे तो वो आपको वो चीज दर्द देने वाली होगी, एक वजह आपको पैदा करनी होगी। आपको मैं मेरी इस लाइफ का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मैंने बेटा 12 पास करने के बाद मैं साइंस बायोलॉजी इसलिए लिया कि इंटेलिजेंट बच्चे साइंस बायोलॉजी लेते थे और मैं इंटेलिजेंट नहीं था। मैंने 10th में सेकंड डिवीजन से 10th पास किया और हमारे टाइम में साइंस स्कूल्स केवल गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ करते थे। आप लकी हो, आपको बहुत सारा अच्छा शिक्षण पद्धति शिक्षण मटेरियल शिक्षक मिल रहे। लेकिन मैं जब गया हमारे परीक्षक परिवारी के पास तो उसने बोल दिया कि सर आपके तो 57% है ओनली, आपको हम साइंस बायोलॉजी नहीं दे सकते। अब उसने कहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन क्या आप मन में तो मानते थे कि हम इंटेलिजेंट है? बायोलॉजी लिया, एक शर्त पर उसने थकारने के बाद दिया कि अगर हाफ ईयरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा होती थी हमारे टाइम में, उसमें अगर आप पास नहीं हुए तो आपको कॉमर्स भी नहीं लेने दूंगा, आर्ट्स में डाल दूंगा। ठीक है सर, सिर्फ सही बता रहा हूं, सिर्फ एक चीज के लिए बायोलॉजी लिया था कि इंटेलिजेंट बच्चे सबसे क्रीम बच्चे साइंस लेते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बायोलॉजी लिया, मजबूरी में लिया। जैसे ही मैं 11th क्लास में पढ़ने के लिए गया, मेरी 10th क्लास का टॉपर जिसके 76% थे, उसने मुझे बोला कि आपने साइंस बायोलॉजी क्यों लिया, तेरे से 12वीं पास ही नहीं होगा। चल बोले एक काम कर, तू 12th क्लास में जितने परसेंटेज लेके आएगा उससे मैं दुगने लेके आऊंगा। बात चुप गई, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने थप्पड़ सी मार दी। घर गया और निर्णय किया कि इससे तो एक नंबर ज्यादा लाऊं चाहे लेके आऊं। मुझे एक छोटी सी वजह मिली पढ़ने की, और सही बता रहा हूं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा पता था अंदर से कि मैं बायोलॉजी इज्जत रखने के लिए ली है, मैं लोगों को यह साबित करने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे को पता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, फिर भी मैंने बायोलॉजी लिए माहौल बनाने के लिए। यही था शुरुआत के अंदर। उसने डायलॉग मारा
पढ़ना स्टार्ट किया, हकीकत में पढ़ाई में बहुत कमजोर था, मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे को सबसे ज्यादा दुखी अवकलन और समाकलन करता था कि इसका समाकलन ये करो, एन की पावर वाले में पावर आगे आ गई, एक घट गई, ऊपर आ गई, नीचे आ गई, वो सब तो मैं कर लेता था, लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं मिलता था कि इसको पता कैसे चला कि यहां समाकलन ही करना। मैंने एक दो बार था कि टीचर से पूछा, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, प्रैक्टिकल के नंबर से बहुत ड्रा करते थे, ज्यादा सवालबाजी नहीं करते थे। उन्होंने कहा तेरे को क्या करना है, बारहवीं पास करने की वैज्ञानिक बनने। मैंने कहा सर बस, तो बोल तू एक काम कर, ये फालतू चीज छोड़, समीकरण चार का अवकलन करने पर ही उत्तर आ रहा ना, अवकलन करना आ गया ना तेरे को, आ गया, बस कर दे। तो ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे, वैज्ञानिक बनना है क्या, मैं वैज्ञानिक थोड़ी हूं, टीचर हूं। मान लिया, आदरणीय थे, लेकिन दिल ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। बारहवीं क्लास आ गई, ग्यारहवीं कुछ समझ में नहीं आ, ईमानदारी से बता दो, इसलिए बता रहा हूं कि आपके आप में से बहुत से बच्चे बारहवीं क्लास में भी हों। बारहवीं में आया, बार बार उस सहपाठी की बात दिमाग में आ रही कि मेरे को लिखने लग गया कि अपनी शरे आप बेइज्जती होगी, परसेंटेज के डबल आएंगे। किताब में कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी किताब घोट ली, किताब बंद करके दो दिन बाद शुरू करता हूं तो लगता कुछ भी नहीं आता, फिर से नए सिरे से शुरुआत करते। पढ़ता गया बेहिसाब, जितना सोच नहीं सकता था उससे ज्यादा मेहनत करी, पूरी किताब रख ली फिजिक्स के। आज भी मुझे वो सारे डेरिवेशन जो मैंने ट्वेल्थ क्लास में रटे थे, शक्ति का द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के अंदर जड़त्व आघूर्ण का सूत्र, एक बटा दो हाफ एम आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बाद में नहीं पढ़ा, उस समय याद किया था, सब घोट लिया, मतलब करने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया, और किस्मत ने साथ दिया और ट्वेल्थ के अंदर 76% बने, और उस बालक के गलती से 62% बने। पहली बार यह लगा कि यार अगर अपन कोई चीज सोच के उसके पीछे हाथ धोके पड़ते हैं तो 100% वो मंजिल अपने को मिलती है। पास किया ट्वेल्थ में, अच्छे नंबर आए, लोगों ने कहा कि भाई जो हम उससे पहले ने पता भी नहीं था कि बारहवीं करने के बाद होता क्या, कि भाई डॉक्टर बनना पड़ता, पीएमडी करनी पड़ती है उसके लिए। फॉर्म भरा, पीएमडी की तैयारी करी, गांव वालों ने सबने कह दिया कि भाई छोड़ा तो, जैसे पीएमडी के अंदर किसी एक इंस्टीट्यूट की हमने कोटा से तैयारी करी थी, उसमें एक प्री टेस्ट होता था, उसका टेस्ट दिया, वो टेस्ट पास किया तो गांव वालों को लगा कि इसने पीएमडी कर ली, मार छोड़ तो डॉक्टर बन गयो। वहां जाके पता चला यहां तो केवल तैयारी करनी है, आता कुछ नहीं है। फिर से कहानी जीरो से स्टार्ट। खैर, कैसे जैसे करके वहां पर मेहनत करी, क्योंकि जवाब मिलते गए। जब पीएमडी पास करने के बाद मैं पुलिस के अंदर गया, एक महीने बाद मुझे यह महसूस हुआ कि यार तू गलत दिशा में आ गया, क्योंकि वहां सब लोग जिस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे थे, जिस इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, मेरा बिल्कुल भी नहीं था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते करते मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन आग पैदा हो गई कि मैं गलत लक्ष्य में आ गया, गलत दिशा में आ गया, मुझे यह सब कुछ नहीं करना था। मैंने बहुत से लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों ने करियर ऑप्शन बताए कि यह करने के बाद अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हो, आप गवर्नमेंट एमओ बन सकते हो, यह कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट किसी भी चीज में मजा ही नहीं आ रहा था। दुखी हो गया बहुत, बहुत परेशान, खुद से जवाब ढूंढूं, किसी बहुत सारे मोटिवेटर लोगों के पास गया, मोटिवेट कीजिए, सभी कहते हैं कि बेटा बढ़िया है, क्या दिक्कत है, पढ़ाई करो, कंसेंट्रेट होकर पढ़ाई करो, खुद के पास कोई क्वेश्चन नहीं। सही बात तो यह थी कि मैं किसी को समझा नहीं पा रहा था कि मैं चाहता क्या हूं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी मोटिवेट करने वाली, बहुत सारे मोटिवेटर लोगों के बारे में पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन खुद से किए, अंत में मुझे एक चीज निकल के मेरे सामने आई कि मुझे मजा किस चीज में आता है। मेरे दिल ने एक बात कही कि मुझे भीड़ को संबोधित करने में मजा आता है, मुझे किसी को अपनी बात मनवाने में मजा आता है, मुझे सुनने के लिए मजबूर करने में मजा आता है, क्या करूं। मैंने मेरे सेकेंड ईयर को पास आउट करने के बाद
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी, मुझे पता है कि वहां 200-300 स्टूडेंट है, एनी टाइम आपके सामने होता है, आप उसको अपनी बात डिलीवर कर सकते हो, आप अपनी बात मनवाने के लिए अगले के चेहरे पर संतुष्टि के भाव देख सकते हो, मुझे इस चीज में मजा आता था। मैंने दिया और मैंने सेकंड ईयर में जिस एग्जाम के लिए लोग दिनों रात करते, सेकंड ईयर में मैंने उस फील्ड को छोड़ इस साइड में करियर स्टार्ट किया। मुझे बहुत मजा आने लगा, मैंने कहा नाम के आगे इतनी इच्छा मेरी जरूर थी कि मुझे डॉक्टर आरएल पूनिया के नाम से लोग जाने, सिर्फ उस नाम एक डिग्री के लिए काम किया। मैंने वहां देखा मेरी कॉलेज लाइफ के अंदर कि लोग 10 महीने तो मस्ती करते हैं, 2 महीने पढ़ाई करते हैं, मैंने कहा ये काम तो मैं मेरा इंटरेस्ट पूरा करके भी कर सकता हूं। और मैंने मेरे बेच के साथ मेरा डिग्री कंप्लीट किया, लेकिन जिस दिन मैंने मेरा डिग्री कंप्लीट किया, मैं कोई बड़ा ही रियली बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं कॉलेज में गया था तो मैं मेरे दोस्त की बाइक पर बैठ के जाया करता था। मैंने उस दिन जिंदगी में खुद से ठाना था कि एक तरीका तो यह है कि मैं धीरू भाई अंबानी के घर पैदा हुआ क्यों नहीं, इस बात को लेकर किस्मत को कोसता रहूं कि नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं किसी सेठ के घर भी तो पैदा हो सकता था, क्यों मैं एक गरीब इंसान के घर पैदा हुआ, खुद को कोसता रहता, खुद के अंदर कमियां निकालता रहता, किस्मत को दोष देता रहता, मेरी आने वाली जनरेशन मेरी संतान को यह कहता कि बेटा मेरे तो क्या पढ़ना तो मैं बहुत चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी के पास क्या पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ नहीं पाया, इसलिए बेटा तू पढ़ ले। बेटे को पता है कि यार पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं चाहिए, दिमाग होना चाहिए, कभी बेटा मेरी संतान भी मेरी बात को उतना अनुकरण नहीं करता। मैंने ये ठाना कि मैं वो काम करूंगा जिससे मुझे मजा आएगा। और बच्चों जब मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम देने के लिए गया तो मैं मेरी खुद की कार से पुलिस फाइनल ईयर का एग्जाम देने के लिए गया, और जब मैंने मेरे कॉलेज से मेरा डिग्री पास आउट किया, मेरे कॉलेज में एक ही चर्चा का विषय था कि इस छोरे को देखो इसने डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना करियर कहां लेके चला गया। मैं मेरी पढ़ाई करने के लिए नहीं आया हूं, केवल यह बताना चाह रहा हूं कि पहले आप खुद से पूछिए कि आप जिंदगी से चाहते क्या है, और वो आपका इंटरेस्ट पैदा करेगा। मुझे कुछ करना है, बट क्या करना है भाई साहब, इसका जवाब बापू जी के पास नहीं है, आपके स्कूल शिक्षक के पास नहीं है, उसके इंटरेस्ट, उसके मकसद, उसकी मेथडोलॉजी, उसके विचार अलग है, वो आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। मैं आपको नहीं भगवान आपको नहीं बता सकता, सालासर वाला जी, जीन माता, खाटू श्याम जी के कितने फेरे लगा लो, आपको वो ये बात नहीं बता सकते कि आपको करना क्या है, खुद से पूछना पड़ेगा, खुद से बात करना पड़ेगा। और जिस चीज का मैं माहौल बना रहा था उस शब्द को क्या कहते हैं पता है, आप बता सकता हूं, आप सभी मुझे सुन रहे हैं, किसी का ध्यान इधर उधर तो नहीं है, उसको क्या मोटिवेशन नहीं कहते बेटा, उसको कहते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पायर, अंत प्रेरणा। मेरे भाषण की पहली बात यही थी, मैं शुरुआत में ये सब बोल देता तो बात खत्म हो जाती, माहौल बना रहा था कि आप मेरी बात को समझें। देखिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में थोड़ा सा फर्क है, मैं अभी आपको उकसा रहा हूं कि बेटा तुझे जिंदगी में कुछ करना है, और यहां पर 10% बच्चे ऐसे हैं जिनके रॉन्ग पे खड़े हो रहे कि वास्तव में मुझे कुछ करना है, आज से हम चख देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरिट में लाके दिखाएंगे, ये सब मेरे द्वारा आपके अंदर एनर्जी जा रही है, इसको कहते हैं बाहर से एनर्जी का अंदर जाना, और ये एनर्जी जैसे बाहर गई है आपके अंदर एनर्जी इधर से इधर डाइवर्ट हो जाएगी, क्षणिक क्षणिक प्रभाव है। इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन अपने अंदर अपने आप बल से पैदा की गई एक इंटरनल एनर्जी है जो अंदर से बाहर की तरफ जाती है, और हमारे अंदर इंटरनल एनर्जी का इतना बड़ा स्रोत है कि हम 1000 साल भी जिए तो भी हम एनर्जी हमेशा अंदर से बाहर की तरफ भेजते रहेंगे। और जिस दिन जिस बालक जिस विद्यार्थी जिस इंसान चाहे वो 70 साल का हो या 17 साल का, जिस इंसान ने अपने अंदर ये कुवत पैदा कर ली, ये टैलेंट पैदा कर लिया कि मुझे मेरे अंदर आत्मबल पैदा करना है, मुझे मेरे अंदर टैलेंट पैदा करना है, मुझे मोटिवेटेड नहीं इंस्पायर्ड होना है, मुझे मेरे अंदर एनर्जी पैदा करनी है, उस दिन आपको किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई मोटिवेट करे, आपके रोंगटे खड़े करे, और उस दिन आप पढ़ो, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन
लोग आपसे सीखेंगे, उस दिन लोग आपका एग्जाम्पल देंगे और दुनिया की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, दुनिया की जितनी भी रोकने वाली एनर्जी है, दुनिया के वो सारे कारक जो आपको रोक सकते हैं, वो इंटरनल एनर्जी के सामने खुश हो जाते हैं। आपको आपके अंदर एक ऐसा हुजूम पैदा करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक ऐसी आग पैदा करनी पड़ेगी कि वो आग सोचने के लिए मजबूर करे कि मुझे करना क्या है। आपको ये एक मंजिल सोचिए, खुद से बात कीजिए, एक बार सोचिए और बात लग जाइए उसके बारे में कि मुझे कुछ करना है और मैंने ये जो सोचा है ये हासिल करके दिखाना है। मेरी गारंटी है, जिस दिन आपने अपने अंदर इंस्पिरेशन पैदा कर लिया, आपका उस काम से इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों के साथ बैठ करके बातें करने में मजा आता है, ऐसा ही मजा पढ़ने में आने लगे, तो आपको पढ़ने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर, आपके हॉस्टल वार्डन को यह कहने की जरूरत पड़ेगी कि बेटा ज्यादा पढ़ाई मत कर, थोड़ा आराम कर ले। वो चीज आपको आपके अंदर पैदा करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको आपकी जिंदगी को टटोलना पड़ेगा, आपको खुद से बात करनी पड़ेगी और खुद से बात करने के कारण के बाद एक ऐसी सॉलिड वजह डिसाइड करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप अपने पिता और माता से बहुत प्यार करते हो और उनकी किसी एक इच्छा को पूरे करने की आपके अंदर बहुत बड़ा इच्छा और तमन्ना है, तो उसको एक वजह बनाइए। हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा बड़ा आदमी है जिसके मम्मी और पापा दुखी रहते हैं और उनको इस बात का गम है कि काश मेरी भी संतान इतनी बड़ी होती और मेरी भी फैमिली की समाज में इतनी रेपुटेशन होती और मेरा भी समाज में इतना ही बड़ा वजूद कायम होता, तो आपको उसे वजह बनानी पड़ेगी। अगर आप बचपन से एक अपबल वाले विद्यार्थी रहे हैं, आपको बचपन से बड़ा करने की तमन्ना है, आपको जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो इसके लिए कभी नहीं आएगी, आपको उसे वजह बनाना पड़ेगा। लेकिन एक वजह ढूंढनी पड़ेगी, आपने वजह पैदा करी, आपका उस वजह के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा और जिस दिन ये दो काम हो गए, सॉलिड वजह, ख्याली बुलाव नहीं मुझे आईएएस बनना है, नहीं, क्यों बनना है, क्या वजह इसकी, जब भी आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। उस वजह को सॉलिड बनाओ और उसके बाद एक ही चीज गुनगुनाओ, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है। मैं 100% कह सकता हूं उस दिन आप एक आत्मबल वाले इंसान होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, सेल्फ इंस्पायर्ड होंगे और आपके अंदर से बाहर की ओर ऊर्जा का संचार होगा। और जिस दिन आप सूरज होंगे, आपने डायलॉग सुना होगा लोगों के भाषण में, सूरज बनो। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूरज अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर भेजता है। सूरज की चमक चांद और धरती के कारण नहीं होती, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको वो रिएक्शन अपने अंदर पैदा करनी है। लोगों ने कह दिया कि सूरज बनो, बनते कैसे है ये मैंने आपको बताया है। अपने अंदर एनर्जी इकट्ठा करो और हर वो ग्रह, प्राणी, इंसान, शख्सियत जिसके अंदर से ऊर्जा अंदर से बाहर की ओर जाती है, लोग उसके उजाले से उदयमान होते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को प्रकाश देते हैं, लोगों के जिंदगी में अंधेरे को दूर करते हैं, उनको उजाला देते हैं, उनको किसी दूसरे उजाले की जरूरत नहीं है, सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके खुद के पास इतनी एनर्जी है कि वो दूसरे जाने कितने ग्रहों को, कितने लाखों अरबों प्राणियों को रोशनी देते हैं। आपको सूरज बनना है तो अपने अंदर वो एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।